This video is brought to you by Howzat. Download the app now. डबल हेडर का दिन और दिन का दूसरा मैच दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने 4 में से 3 मैच में जीत हासिल की है। एक हार राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्हें मिली थी और वहीं सनराइजर्स हैदराबाद 3 बैक-टू-बैक लॉसेस के बाद फाइनली पंजाब किंग्स को हरा कर अपने कैंपेन को ट्रैक मिलाती हुई। कुछ तो लगा उसकी। अरे दूसरा हद दे। हाउस दैट पे बनाओ यूवी से बेटर टीम। ओए क्या कर रहा है? तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। छोड़ यार। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड्स। तो बेटा हाउस दैट? हाउस दैट? दिस गेम इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। बिल्कुल, सनराइजर्स हैदराबाद ने जो वापसी की है, अब उनकी कोशिश रहेगी कि यार आगे के कैंपेन में कम से कम वो गलतियां हम ना करें जो पहले 3 मैचेस में की थी। और पिछले मैच में तो वो जो करना चाहते थे मन माफिक चीज भी मिली, चेस करने के लिए गए और जिस तरीके से चेस किया, 9 विकेट बाकी रहते, जॉनी बेरिस्टो का अच्छा परफॉर्म करना, केन विलियमसन का टीम में वापस आके परफॉर्म करना, तो हैदराबाद के लिए कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं। लेकिन सिर्फ एक जीत के बाद कुछ चीज़ें उनके लिए थोड़ी ख़राब भी रही हैं कि अब टी नटराजन इस सीज़न में नहीं दिखेंगे, बाहर हो गए हैं पूरी तरीके से। भुवनेश्वर कुमार भी पिछले मैच में 3 ही ओवर करके गए थे, तो अभी ये भी क्लियर कहना नहीं बता सकते कि वो खेलेंगे या नहीं। तो हैदराबाद जीती ज़रूर, लेकिन कुछ दिक्कतों के साथ ही इस मैच में जाएगी। एब्सोल्युटली, लेकिन आई थिंक पिछले सीज़न टी नटराजन ने ज़रूर अपनी अहमियत दिखाई थी कि टीम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। उससे पहले काफ़ी ज़्यादा मौके 2019 की सीज़न में टीम ने खलील अहमद को दिया था, जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी टीम को दिया था, तो शायद उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर अच्छा परफॉर्म करे खलील अहमद। जैसा कि हमने पिछले सीज़न देखा था, जब भुवनेश्वर कुमार इंजर्ड हुए थे तो उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होने दी संदीप शर्मा ने। इसके अलावा राशिद खान सीज़न दर सीज़न अच्छी परफॉर्मेंसेज देते ही जा रहे हैं। तो ये तो रही बात उनकी गेंदबाजी की, बल्लेबाजी में नज़र डाले तो जैसा आपने मेंशन किया, जॉनी बेस्टो का कंसिस्टेंटली रन्स बनाना, सेकेंड मैच को छोड़ दे तो बाकी सारे मैचेस में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन उनका रहा। और पिछले मैच में तो पूरा जिम्मा अपने ऊपर उठाया कि एंड तक बल्लेबाजी करे और टीम को फिनिशिंग लाइन भी क्रॉस कराए। बिल्कुल, जॉनी बेरिस्टो की फॉर्म काफी खास है हैदराबाद के लिए, लेकिन अभी तक विराट सिंह को पिछले मैच में फिर से मौका दिया तो वो अभी तक बैटिंग में कुछ खास, अभी एक मैच में नहीं कर पाए थे, दूसरे मैच में बैटिंग ही नहीं आई। आप बात करिए अभिषेक शर्मा की, गेंदबाजी में पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की, 2 विकेट निकाल के दिए, लेकिन बल्लेबाजी में उनको भी मौका नहीं मिला कुछ करने के लिए। तो अभी देखना होगा कि हैदराबाद की टीम किस तरीके से आगे जाती है। और वैसे भी चैपॉक के मैदान पर ये आखिरी मुकाबला है इस सीज़न का, तो फिर देखना होगा कि हैदराबाद किस तरीके से जाती है। लेकिन दिल्ली की बात अगर आप करेंगे मेघा, जिस तरीके से मुंबई को हराया पिछले मैच में, दिल्ली काफ़ी ज़्यादा कन्विंसिंग लग रही है इस सीज़न। एब्सोल्युटली, काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज उन्होंने स्ट्रिंग टुगेदर की है और उसका एक अहम कारण शिखर धवन का फॉर्म है। पिछले सीज़न भी टीम फाइनल्स तक गई थी और शिखर धवन की बल्लेबाजी, उसमें उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था बल्ले के साथ। इस सीज़न भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है, अभी तक टॉप रन गेटर की लिस्ट में शीर्ष पर हैं। इसके अलावा पृथ्वी शॉ, उनके फेलो ओपनर, पहले मैच में 70+ रन बनाए थे। हालांकि एक पैटर्न उनके भी बल्लेबाजी में है कि 2 मैचेस में स्टार्ट मिले हैं, लेकिन उसके बीच के 2 मैचेस में वो काफ़ी शुरुआत में ही अपना विकेट गंवाते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, पिछले मैच में भी शायद 7 रन बनाए, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें ये हैं कि कंसिस्टेंसी की थोड़ी दिक्कत नज़र आ रही है। लेकिन उसके बाद आप देखिए स्टीव स्मिथ पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की जैसी ज़रूरत थी, बहुत बड़ा स्कोर मुंबई ने नहीं दिया था और हमने देखा भी है कि मुंबई ने 150-152 के स्कोर पर भी बाकी टीमों को रोका है, लेकिन दिल्ली ने 137 ईजिली उसको चेस किया। और जिस तरीके से दिल्ली की बैटिंग चल रही है, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिक्कतें दिल्ली की बैटिंग में है। गेंदबाजी में भी आप देख सकते हैं, अमित मिश्रा को पिछले मैच में लेकर आए और लाते ही पहले मैच में 4 विकेट निकाल के दिए। उसके अलावा आवेश खान अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मार्कस टॉयनिस अच्छे दिख रहे हैं, तो दिल्ली की टीम काफ़ी सेटल डाउन दिख रही है, टॉप 3 में भी है अभी तक जी। तो किस तरीके से आगे बढ़ती है ये देखना होगा। एब्सोल्युटली, जैसे आपने मेंशन किया कि आवेश खान का फॉर्म कितना अहम है, डेथ ओवर्स में जिस तरह से उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है वो खास यहाँ पे दाद देने वाली बात है। अभी तक इन टोटल 8 विकेट निकाल रखे हैं। अमित मिश्रा हालांकि इस कैंपेन का दूसरा मैच खेल रहे थे, लेकिन मुंबई इंडियंस के खिलाफ 4 विकेट निकालना और ये प्रूव किया कि क्यों IPL में ओवरऑल इतने सक्सेसफुल गेंदबाज रहे हैं अमित मिश्रा ऐसी ही परफॉर्मेंसेज देकर। अच्छी परफॉर्मेंस आप भी दे सकते हैं हाउस दैट टीम पर और बहुत सारे
अवार्ड्स जीत सकते हैं, बहुत सारे रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा लिंक, अगर आप वहाँ से ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलेगा 3000 का वेलकम बोनस। युवराज सिंह की टीम को चैलेंज कीजिए और आपके पास मौका रहेगा 5 times कैश जीतने का। बिल्कुल बढ़िया मौका है, और मैच से पहले हम लोग लाइव में भी आएंगे, तब आपको अपनी फाइनल 11 भी बताएंगे, जिससे आप अपनी टीम को फाइनल रूप देकर हाउस एड में युवराज की टीम को चैलेंज कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहे द ललन टॉप, क्योंकि क्रिकेट की बहुत सारी वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर मौजूद है। शुक्रिया।